अस्सलामुअलैकुम उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई ख़ैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिजु ई ईमान में होंगे मैं हूँ नादर ख़ान आप देख रहे हैं एन के एस कराची मॉडर दोस्तों आज की जो वीडियो है आज की वीडियो के अंदर आप कुछ भाइयों के आ, सवाल थे इन उन्हीं के जवाब रजिस्टर में लिखा हुए हैं आप तमाम भाइयों के सवालत दोस्तों हमारे पास जो पहला सवाल है वो है हमारे भाई का उन्होंने कहा था कि नादर भाई संडे बाजार में जब गाड़ी की वीडियो बना रहे होते हैं तो ऑनर से कोशिश किया करें कि पेट्रोल की जो एवरेज है वो पूछ लिया करें तो दोस्तों मैं आप भाइयों को बताता चलूँ कि जो ऑनर बाजार के अगर गाड़ी ले आते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पेट्रोल एवरेज का पता ही नहीं होता ठीक है जी तो इनशाला इसी वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब गाड़ियों की पेट्रोल एवरेज बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितना पेट्रोल एवरेज देती है एक लीटर में और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सवाल है वो एक और हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि नादर भाई कि संडे बाज़ार के अंदर जब हम गाड़ी परचेज़ करने के लिए आते हैं क्या वहाँ पर जो है कोई ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं जो मतलब के दो नंबर हो चोरी की हो कोई ऐसी गाड़ी हम परचेज़ ना कर लें कोई ऐसी गाड़ी हमें कोई चेप ना दे तो भाई देखें संडे बाज़ार के अंदर जो गाड़ियाँ आती हैं दो नंबर भी आती होंगी मैं ये नहीं कहता कि सारी एक नंबर आती हैं ठीक है जी दो ढाई तीन गाड़ियों का ये बाज़ार लगता है बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और मैं आप भाइयों को एक चीज़ बताता चलूं कि देखें जी जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने के लिए आते हैं अगर तो गाड़ी दो नंबर है तो उसके पास आपके पास उसका एक जो है तरीका है गाड़ी परचेज़ करने का ठीक है जी आपको ज़बरदस्ती तो कोई नहीं चेत सकता या आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं दे सकता कि भाई ये दो नंबर ले जाओ ठीक है उसका तरीकाकार ये है कि जब आप गाड़ी को देखें पूरा वेरीफ़ाई करवाएँ ठीक है जी ये है कि बाज़ार में जो गाड़ी खड़ी है आप उसको चेक करें पहले गाड़ी को पूरा चेक करें गाड़ी बिल्कुल ठीक है ठीक है जी इंजन उसका चेक करें इंजन नंबर चेक करें चेसिस नंबर चेक करें फिर मालिक को कहें कि भाई गाड़ी की फ़ाइल दिखाएं फिर गाड़ी की फाइल चेक करें ठीक है आपको अगर चेक करना नहीं आती है अपने साथ एक ऐसे बंदे को लेके आएँ जिसको जो है फाइल के बारे में मालूम हो गाड़ी के बारे में मालूम हो लाजी लेके जाए ठीक है ताकि आप भाइयों को ना कोई मसला पेश ना आए ये चीज़ें मैं आप भाइयों को समझा इसलिए रहा हूँ तो भाई देखें फ़ाइल आपने चेक कर ली हर चीज़ आपने चेक कर ली ठीक है जी फिर सी इसकी चेक करें एक्साइज़ वालों से बात करें वो आपको बताएंगे कि गाड़ी क्लियर है या नहीं क्लियर है ठीक है अगर तो गाड़ी क्लियर है तो आप गाड़ी परचेज़ कर लें ठीक है जी देखें ये ये चीज़ें हैं गाड़ी को ये प्रूफ करती है गाड़ी तो के दूसरा भाई भाई ये सवाल था आपका और तीसरा सवाल था हमारे भाई लाहौर से हैं तीसरा सवाल भाई ने ये किया था कि नादर भाई सजूकी आल्टो जो है 2000 जो 18 17 19 बीस अभी इक्कीस में भी जो गाड़ी आ रही है क्या ये गाड़ी अच्छी है हम इसको परचेज़ करें फैमिली के लिए घर के लिए अच्छी गाड़ी है देखें जी मैं आपको ये कहूँगा कि देखें ये जो गाड़ी है छोटी गाड़ी है छः सौ साठ सी सी गाड़ी अगर आप इसको घर में यूज़ करेंगे शहर के अंदर अंदर तो ये गाड़ी अच्छी है ये गाड़ी लॉन्ग रूट वाली नहीं है क्योंकि छः सौ छः सौ साठ सी सी गाड़ी आप लॉन्ग रूट पर इस गाड़ी पर जाएंगे तो ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग रूट पर नहीं चलेगी ये जहाँ इसको आप लेकर ले जाना चाहें ये जा सकती है मगर ये है कि देखें जी लॉन्ग रूट पे ये रोज़ रोज़ नहीं जा सकती ये खड़क जाएगी गाड़ी क्योंकि इसका इंजन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है 660 सौ ये गाड़ी है और आपको पता है कि ऊपर से पाकिस्तानी है पाकिस्तानी मटेरियल कैसा होता है आप लोगों को पता ही है जापानी गाड़ी फिर भी कुछ अच्छी होती है तो दोस्तों ये पाकिस्तानी गाड़ी है ख़ास कर इसको आप शहर के लिए घर के लिए इस्तेमाल करना चाहें अगर शहर में चलाना है अपनी सिटी में तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है इसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है मैं आप लास्ट हमारे पास जो सवाल है आ, लास्ट सवाल ये हमारे पास है कि भाई संडे बाज़ार जो है इतवार के अलावा किस दिन लगता है पंजाब भावलपुर से भाई पूछ रहे हैं तो भाई देखें जी बाज़ार सिर्फ़ संडे वाले दिन ही लगता है ठीक है ये ना हो कि आप किसी और दिन बाज़ार यहाँ आ जाएं और बाज़ार ना हो संडे वाले दिन सिर्फ बाज़ार लगता है संडे के अलावा बाज़ार बिल्कुल नहीं लगता और भाई ने कहा है कि भाई छुट्टी अगर संडे के दिन हम आएँ तो कोई संडे ऐसा तो नहीं है जो बाज़ार ना लगे बंद हो जाए बाज़ार तो दोस्तों देखें जी संडे बाज़ार जो है बिल्कुल बंद नहीं होता दो तीन रीज़न होती हैं बंद होने की दस नौ दस मुहर्रम हो तो बंद होता है उसके अलावा अगर बारिश कराची में हो संडे बाज़ार में पानी भर जाए तो बाज़ार बंद होता है ठीक है या कोई लॉकडाउन लग जाए तो बाज़ार बंद होता है ओवरऑल बाजार बिल्कुल खुला होता है बाज़ार बंद नहीं होता ठीक है।, है ये आपके सवालों के जवाब थे मैं आप भाइयों को अभी गाड़ियों की दे दे फ्यूल दो हज़ार दो से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ 2021 चल रहा है सत्रह अठारह उन्नीस साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर हर गाड़ी मैंने चलाई है छोटी पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैं आप भाइयों को बताऊँगा कि इन गाड़ियों की फ्यूल एवरेज क्या है पहले नंबर पे हमारे पास सजुकी मेहरान है अगर हम सजुकी मेहरान की बात करते हैं यूरो टू की जो यूरो टू इंजन आया है अगर आप इसको गाड़ी को शहर में चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको शहर के अंदर तेरह से चौदह किलोमीटर फ़ी लीटर में एवरेज देती है सजुकी मेहरान यूरो टू इंजन अगर आप इसी मेहरान को लॉन्ग रूट पर लेके जाएंगे तो ये आपको अट्ठारह उन्नीस किलोमीटर भी एवरेज देती है एक लीटर के अंदर सजुकी मेहरान यूरो टू ठीक है जी गाड़ी आपकी बहुत सेट होगी तो बीस भी देगी नंबर पे जनाब हमारे पास है सजुकी आल्टो सजुकी आल्टो को सजुकी आल्टो 660 सीसी की बात कर रहा हूँ जो हज़ार सी है उसकी बात नहीं कर रहा उसकी भी बात करते हैं इसके बाद तो दोस्तों जो सजू आल्टो 660 सीसी है इसकी एवरेज जो है वो लॉन्ग रूट के ऊपर 18 से 20 किलोमीटर है एक लीटर के अंदर 19 20 एक भाई ने कहा था कि नादर भाई तेईस चौबीस देती है तो भाई तेईस चौबीस पाकिस्तानी नहीं देती जेपनीज़ गाड़ी आपको तेईस चौबीस देगी पाकिस्तानी नहीं देती पाकिस्तानी आपको बड़ी अच्छी और सेट गाड़ी होगी आपकी तो आपको उन्नीस बीस देगी बस बीस से ऊपर नहीं देती क्योंकि मेरे पास गाड़ी है पाकिस्तानी उसके अलावा हम आ जाते हैं हज़ार सी सी आल्टो की तरफ जो पाकिस्तानी जो दो हज़ार बारह तक आल्टो आई है जनाब वो हज़ार सी सी गाड़ी जो है आपको फ्यूल एवरेज शहर के अंदर देगी दस ग्यारह ठीक है जी लॉन्ग रूट पर लेके जाएंगे तो आपको तेरह देगी बस तेरह से ऊपर वो भी नहीं देती अच्छी गाड़ी होगी तो चौदह दे सकती है मगर चौदह नहीं देगी तेरह देगी बस ये इसकी फ्यूल एवरेज है हज़ार इसके बाद हम आ जाते हैं कल्टस की तरफ कल्टस जो है जो पुराना इंजन था पुराने इंजन की बात नहीं कर रहा मैं यूरो टू इंजन की बात कर रहा हूँ जो ई एफ आई इंजन आया था दो हज़ार सात में हम उसकी बात करते हैं दो हज़ार सात में जो ई एफ आई इंजन आया था ई एफ आई इंजन की जो फ्यूल एवरेज है जनाब वो आपको एक लीटर के अंदर लॉन्ग रूट पर देगी शहर के अंदर देगी तकरीबन बारह से तेरह और लॉन्ग रूट पर आपको देगी पंद्रह से सोलह किलोमीटर ई एफ आई इंजन वाली गाड़ी दोस्तों मेहमान आ गए हैं मैंने कहा यार उसके बाद जो है हमारे पास जो गाड़ी है ट्योटा करोला वन पॉइंट थ्री तेरह सौ सी सी है ट्योटा करोला आपको एवरेज देती है शहर के अंदर दस से ग्यारह मैनुअल गाड़ी ठीक है जी जो मैनुअल होगी वन पॉइंट थ्री अगर आप लॉन्ग रूट पे मैनुअल को ले जाते हैं ट्योटा करोला वन पॉइंट थ्री जी एल आई हो या एक्सएल आई हो जी एक एक ही इंजन है एक ही जो है एवरेज देती है एक्सएल आई की वही एवरेज है और जी एल आई की भी वही एवरेज है ठीक है जी दोस्तों अगर जी एल आई को आप लॉन्ग रूट पर चलाएँगे तो आपको ये देगी चौदह से पंद्रह किलोमीटर इससे ऊपर बिल्कुल नहीं देती जी अब हम आ जाते हैं ट्योटा करोला वन पॉइंट ऑटो की तरफ ठीक है जी क्योंकि जो पुराने मॉडल थे उसमें 1.3 पॉइंट थ्री ऑटो में नहीं आया 2015, 16, 17, 18 जो गाड़ियाँ इनमें 1.3 में आटो गाड़ी आई थी ठीक है जी अगर हम आटो जी की बात करते हैं तो ये ऑटो आपको शहर में देती है सात से आठ किलोमीटर एक लीटर में अगर शहर पे लॉन्ग पे चलाएंगे तो आपको ये बारह तेरह देगी ऑटो गाड़ी अब आ जाते हैं होंडा सिविक की तरफ ठीक है जी सिविक तो आ, दो हज़ार से शुरू हुई है वैसे तो नीचे से शुरू हुई है 94, 93 से सिविक शुरू हुई है मगर जो ऊपर के मॉडल मैं आपको उसकी जो है बताऊंगा हम रिबोन से शुरू करेंगे रिबोन 2006 के एंड में आ गई थी होंडा रिबॉन होंडा रिबॉन की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए दोस्तों तो होन्डा रिबॉन आपको शहर में देती है सात से आठ आट किलोमीटर ऑटो गाड़ी अगर ऑटो को आप लॉन्ग रूट पर लेके जाएंगे तो आपको ग्यारह बारह भी देगी अच्छी गाड़ी जो आपकी रिबोन होगी वो तो ठीक है रिबॉन के बाद जो तेरह चौदह के अंदर जो मॉडल आया है मैं उसकी अगर पेट्रोल एवरेज बात करूँ तो दोस्तों उसकी पेट्रोल एवरेज भी यही है जो रिबॉन की है ठीक है जी होंडा 2007 के बाद जो 6 के बाद जो रिबॉन आई थी उसकी और 12 तेरह वाली और जो अब 18 19 में जो मॉडल आ रहे हैं उनकी सेम पेट्रोल एवरेज है कोई कम ज़्यादा नहीं है एक ही है ठीक है जी फिर एक बार बता देता हूँ शहर के अंदर चलाएंगे होंडा रिबोन को होंडा की कोई भी जो ऊपर के मॉडल हैं शहर में चलाएंगे तो आपको सात से आठ देगा नौ भी देगा आपको एवरेज इससे ज़्यादा होंडा आपको एवरेज नहीं देगी अगर आप लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को चलाते हैं तो लॉन्ग रूट के ऊपर आपको ये गाड़ी एवरेज देगी तकरीबन बारह से तेरह इससे ऊपर आपको नहीं देगी तो दोस्तों ये बहुत अच्छी एवरेज है 1.8 पॉइंट एट अट्ठारह गाड़ी के लिए तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी आज की वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन आप भाइयों तक तो पहुँचानी थी अगर आप भाइयों का भी कोई भी सवाल रह गया हो तो इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करें इन मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप भाइयों का जवाब भी दूंगा और आप भाइयों का नाम भी लूंगा तो अपने भाई नादर खान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़